देख रहे हैं हम कि किस तरह से पुलिस ने जो है कांग्रेस युद्धकर्ता की जो सदस्य है उनको गिरफ्तार कर लिया। और ये देख लीजिए कांग्रेस युद्ध कार्यकर्ता के लोगों को लगातार पकड़ के बसों में डिटेन किया जा रहा है। और देखिए किस तरह से जो है एक महिला यहाँ बैरिकेड से गिर गई है, बैरिकेड में फंस गई है। देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे प्रधानमंत्री हमें मिल रहे हैं। चुनाव से पहले एक एड चलाया था कि पापा ने बहुत रखवा दी, तो पापा ये पेपर लीक नहीं रुकवा सकते। जिस तरीके से बीजेपी की सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपने देखा कि किस बर्बरता के साथ महिलाओं के साथ व्यवहार किया जा रहा है। कि जो 400 पार का नारा देते थे आज 230 पे अटक जाते हैं, उनको पता चलेगा कि बैसाखी के सहारे चलने से क्या होता है। और ये बैसाखी टूटेगी। चार तारीख को जो रिजल्ट आया है नीट के एग्जाम का, उसको लेके देश के कई राज्यों में और देश के कई शहरों में लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आज जंतर मंतर पे हम देख रहे हैं किस तरह से फोर्स ने जो है कांग्रेस यूथ कार्यकर्ताओं को घेर रखा है यहाँ बैरिकेड लगा के। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि वो आपको नज़ारा दिखा दे, जिस तरह से पुलिस की गाड़ियाँ भरी जा रही है और जिस तरह से जो पुलिस और फोर्स यहाँ लगी हुई है। तो यहाँ से मात्र कुछ सौ मीटर की दूरी पे संसद है, संसद चल रही है और संसद के बाहर घमासान उन लोगों से जो नीट के एग्जाम को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि नीट के एग्जाम को दोबारा करवाया जाए। ये 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है, ये उन बच्चों के भविष्य का सवाल है जो अपने घर के जो माँ के गहने या जो अपने खेत बेचकर तैयारी करवाते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों से हमें बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे सर? ये मोदी की तानाशाही चल रही है, आजकल बच्चों के साथ खिलवाड़ कराया जा रहा है। 10 साल में एक भी भर्ती नहीं है जो मोदी सरकार ने की हो। आज देख लीजिए बच्चा रोड पे है, 10 साल में एक भी भर्ती नहीं। जितनी परीक्षा करी सारी लीक कर दी इस मोदी सरकार ने, किसी को नौकरी देना नहीं जानती। इसकी तानाशाही नहीं चलेगी देश में, मोदी को सबक सिखाया जाएगा। आज जनता रोड पे हिंदुस्तान की आप देख लीजिए, एक भी परीक्षा क्या नाम है सही रिजल्ट नहीं आया परीक्षा का, आज भी देख लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी तो हमेशा युवाओं की बात करते हैं, भारत का भविष्य युवा है, हमेशा अपने चुनावी नारों में उन्होंने ये वादा किया नहीं है। आप देख लीजिए आज देश का युवा राहुल गांधी की तरफ देख रहा है। आपने देखा होगा राहुल गांधी को पसंद करता है आज देश का युवा, मोदी को नकार दिया है देश ने। आप देख ले चुनाव में क्या स्थिति हुई, चुनाव में सबक सिखा दिया, पहले क्या स्थिति थी आज क्या स्थिति है। आपने देखा चुनाव में जनता ने रोड पे ला दिया मोदी को, आप दो बैसाखियां लेकर चल रहे हैं चुनाव में। मोदी सत्ता में नहीं है, जनता ने नकार दिया, दो बैसाखी लगी हुई है मोदी के जब चल रहे हैं सत्ता में। सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से मामला कोर्ट में लिया, लेकिन देखिए हमारी बातों को कैसे दबाया जा रहा है ये तो आपसे छिपी हुई नहीं है और आपके जरिए पूरी देश देख रही है। और ये जो लोग हैं, ये जो भ्रष्ट लोग हैं जो सरकार में आज भी बैठे हुए हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता 24 लाख बच्चों का एग्जाम खराब हो या 24 करोड़। ये जो लोग हैं ये भ्रष्ट लोग हैं, ये घटिया लोग हैं, इनकी मानसिकता में कभी भी एजुकेशन था ही नहीं। ये चाहते हैं कि इस देश के बच्चे नौकर बने, इस देश के बच्चे गुलाम बने, लेकिन हमारी आवाज़ कभी बंद नहीं होगी। अभी तक हम हर जिले में कार्यक्रम कर रहे थे, हर जिले में आवाज़ को बुलंद कर रहे थे, आज हम यहाँ पर आए हैं, जरूरत पड़ेगा तो हम प्रधानमंत्री की आवाज़ भी घेरेंगे। तो आज संसद के सत्र का तीसरा दिन है। एक कहानी फिर से हम आपको बता दें कि 5 मई को नीट का एग्जाम हुआ और 4 जून को रिजल्ट आया लोकसभा के रिजल्ट के साथ, और लोकसभा के रिजल्ट के साथ ही नीट का एग्जाम भी के रिजल्ट का। लेकिन नीट के एग्जाम ने देश में एक बवाल सा मचा दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि देश में किसी भी एक एग्जाम में 67 बच्चे एक साथ टॉप किए, 720 अंक जो है उनको एक साथ आए। और इसी बात को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हुआ, एक एक सेंटर पर 6-6 बच्चे लगातार टॉप किए। गुजरात के गोधरा से लेकर हरियाणा और बिहार में कई सेंटरों पर जो है लगातार जो है एक ही सेंटर पे 6-6 बच्चे टॉप किए और 67 बच्चों के जो है मार्क्स एक जैसे थे। इस बात को लेकर ही पूरा विरोध प्रदर्शन चल रहा है। हम देख रहे हैं कैसे दिल्ली पुलिस ने पूरा बैरिकेडिंग कर रखा है। यहाँ से मात्र कुछ सौ मीटर की दूरी पर ही जो है यहाँ संसद चल रही है। संसद के सत्र का तीसरा दिन, जहाँ संसद के अंदर एक घमासान चल रहा है, वहीं संसद के बाहर भी जो है हम देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर्चे उड़ाए जा रहे हैं, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान को, प्रधानमंत्री के प्रधान धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, एनटीए को बैन करने की मांग कर रहे हैं। इनका साफ साफ कहना है कि जब तक कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे और एनटीए को बैन नहीं किया जाएगा, भारतीय युवा कांग्रेस नहीं रुकेगा। इस बात को लेके दिया जाता है, आप लोगों में से कुछ लोग चाकू और हथियार लेके आए हुए हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो बी श्रीनिवास जो कि भारतीय यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो बैरिकेड के ऊपर हैं। पुलिस यहाँ इन्हें रोकने के लिए लगातार प्रदर्शन कर रही है। यहाँ पे कांग्रेस यूथ कार्यकर्ता के जो लोग हैं बैरिकेड पे चढ़े हुए हैं और पुलिस भी लगातार चेतावनी दे रही है, पुलिस इन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही है, ये आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से पुलिस जो
है उन्हें बैरिकेड से चढ़ने से रोक रही है, उन्हें आगे नहीं आने देना चाहती है। और दूसरी तरफ जो है कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ता के जो अध्यक्ष है बी श्रीनिवास, वो भी हैं एनटीए। और अगर हम प्ले कार्ड की बात करें तो हम अपने जो है उसको दिखाने के प्रयास करें कि अब की बार पेपर लीक की सरकार, और देखिए किस तरह से जो है एक महिला यहाँ बैरिकेड से गिर गई है, बैरिकेड में फंस गई है और उसको पुलिस यहाँ निकाल भी रही है। ऐसा नहीं है कि पुलिस ने उनका हाथ पकड़ रखा है, क्योंकि दो बैरिकेडों के बीच में फंस गई है। तो एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन संसद के ठीक कुछ सौ मीटर की दूरी पर जंतर मंतर पे ये घमासान मचा हुआ है कि, और इनका साफ साफ कहना है कि जब तक एनटीए को बैन नहीं किया जाएगा, जब तक रीनीट नहीं लिया जाएगा, जब तक प्रधानमंत्री के प्रधान धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक ये विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। देश के 24 लाख युवाओं के भविष्य का सवाल है, जिसमें कि कई परिवार मध्यम वर्गीय परिवार जो अपने घर का सोना गिरवी रख के, जो ऐसे लोग जो अपनी जमीन का टुकड़ा गिरवी रख के जमीन बेच के अपने बच्चों की तैयारी करवाते हैं, वैसे कई बच्चे इसमें शामिल हैं जो जिन्होंने अपना 2-4 साल, और यहाँ पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है क्या? तो देख रहे हैं हम कि किस तरह से पुलिस ने जो है कांग्रेस युद्धकर्ता की जो सदस्य है उनको गिरफ्तार कर लिया, और पुलिस महिला उन्हें टांग कर ले जा रही है बस की ओर। हम देख रहे हैं कि किस तरह से फोर्स ने उन्हें जो है बिल्कुल डिटेन कर लिया है और उनको जो है बस की ओर जो है लेके जा रही है, और उनको पुलिस ने टांग कर देखिए इस तरह से जो है बस के अंदर भर दिया है। अभी हम कोशिश, और तो ये आप देखिए किस तरह से जो है यूथ कांग्रेस के सदस्य हैं, और ये देखिए यूथ कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अपने विरोध प्रदर्शन को लगातार यहाँ पे लगातार पुलिस का जमला बढ़ता हुआ जा रहा है, और पुलिस जो है यहाँ पे घिरी। मैम क्या कहना चाहेंगे जी, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पे? मैं यही कहना चाहूंगी कि देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे प्रधानमंत्री हमें मिल रहे हैं, ऐसी सरकार देश में है कि युवाओं के भविष्य के साथ खेलने का काम कर रही है, और हम यही युवाओं के साथ होने नहीं देंगे। युवाओं की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी यार रोड पर है, कांग्रेस के युवा, कांग्रेस के सभी पदाधिकारी सभी कार्यकर्ता आज धरातल पे लड़ाई लड़ रहे हैं युवाओं के लिए। तो आपने यहाँ एक और भाई साहब हैं, सर क्या कहेंगे पूरे प्रकरण पे? जैसे कि पेपर लीक का देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में भाजपा की सरकार में जहाँ जहाँ प्रदेशों में भाजपा की सरकार है वहाँ वहाँ पर पेपर लीक हो जा रहे हैं। सो जैसे कि इन्होंने चुनाव से पहले एक ऐड चलाया था कि पापा ने बहुत रुकवा दी, तो पापा ये पेपर लीक नहीं रुकवा सकते। सो शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी को, भाजपा वालों के, जितनी देर तक युवाओं को उनका बनता हक नहीं मिलता, जो खिलवाड़ युवाओं के साथ वो कर रहे हैं, जितनी देर तक उनको उनका हक नहीं मिलता उतनी देर तक युवा कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी ऐसे ही सड़कों पर संघर्ष तेज करती रही। अपने मन की बात में हमेशा युवाओं की बात करते हैं, और हम देख रहे हैं कि किस तरह से पुलिस जो है लगातार जो है कांग्रेस, ये देख लीजिए कांग्रेस यूथ कार्यकर्ता के लोगों को लगातार पकड़ के बसों में डिटेन किया जा रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि पुलिस जो जिंदाबाद, कहने के लिए बचा ये क्या है, ये अगर आप सही से मीडिया दिखाती तो शायद इस देश में युवाओं का दर्द, जो विद्यार्थियों का दर्द है वो दिखता। हम हमेशा लगातार हम युवा प्रयास करते आए हैं कि युवा के परिप्रेक्ष्य में जो निर्णय हो, लेकिन इस पेपर लीक के द्वारा पूरे देश को पता चल ही गया कि ये युवा विरोधी सरकार है। जिस तरीके से बीजेपी की सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपने देखा कि किस बर्बरता के साथ महिलाओं के साथ व्यवहार किया जा रहा है। वही एक तरफ युवा विरोधी का काम ये लोग कर रहे हैं, एक तरफ ऐसे लोगों को रखने का काम कर रहे हैं अपने पार्टी में जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के साथ शोषण किया हो, खिलाड़ियों के साथ शोषण किया हो, चाहे किसानों के साथ शोषण किया हो, हर लोगों के साथ तो शोषण ही शोषण हो रहा है। लोकतंत्र खतरे में है, भारतवासियों जाग जाओ। और बीजेपी में जो बैठी हुई केंद्र की सरकार है जो सिर्फ और सिर्फ बेटी बचाओ का एक स्लोगन दे सकती है, आज हम जैसे बेटियां जो झारखंड से आई है एक अधिकार लड़ने के लिए कि हमारे देश के जो विद्यार्थी हैं उनका जो परिवार है उनको हक और न्याय मिल सके, क्योंकि हर अभिभावक एक एक पैसा जोड़ करके अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। हो सकता है अपना दो वक्त का रोटी को काट करके, पेट काट करके वो अपने बच्चों की पढ़ाई करवाते हैं। ऐसी अवस्था में अगर हम आवाज़ युवाओं के परिप्रेक्ष्य में नहीं उठाएंगे तो शेम है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री को पूरा शेम शेम है कि वो युवा विरोधी है, महिला विरोधी है, किसान विरोधी है, तो फिर हितैषी किनके हैं? सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के। तो हम ऐसे भारत देश के वासियों के जितने भी युवा हैं उनको आपके माध्यम से आह्वान करते हैं कि इनको अविलंब उखाड़ के फेंक देने का काम करिए, अन्यथा हम जैसे लोग सिर्फ आवाज़ उठाते रहेंगे।
और शोषित होते रहेंगे और आपके ऊपर शोषण और अत्याचार लगातार बना रहेगा। ये देखिए फिर से एक जो है कांग्रेस यूथ कार्यकर्ता को पुलिस टांग कर लाई है और उन्हें डिटेन किया गया है। लगातार जो है पुलिस जो है अब डिटेन करना शुरू कर दिया है और हम देख रहे हैं कि जो है कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ता के लोग लगातार जो बैरिकेड तोड़ के जो है अपना उग्र प्रदर्शन कर रहे थे उनको जो है पुलिस ने पकड़ के डिटेन करना शुरू कर दिया है। इनके पुलिस के लात घूसे और इनके डंडे चलने से हम डरेंगे सोच रहे हैं। हम डरने वाले नहीं है, ये मोदी की पुलिस जितना अत्याचार बर्बरता हमारे ऊपर डाले लेकिन हम युवाओं के लिए विद्यार्थियों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और राहुल जी ने कहा है सड़क से संसद तक कांग्रेस पार्टी युवाओं की लड़ाई लड़ेगी, देश के हर उस व्यक्ति की आवाज़ बनेगी जो दबी और कुचली हुई है। ये सरकार समझ ले हम लोगों को दबा नहीं सकती। हम आज हैं, हम कल भी रहेंगे और ये सड़क में लड़ाई जारी रहेगी। प्रधानमंत्री खुद युवाओं की बात करते हैं, लगातार उन्होंने चुनावी नारों में अपने भारत के भविष्य के युवाओं की बात करते हैं, आप उन पे इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। भारत के युवाओं को जो भविष्य बताने वाले हैं उनका 10 साल का कार्यकाल ये बताता है कि जो 400 पार का नारा देते थे आज 230 पे अटक जाते हैं। उनको पता चलेगा 230 और 240 पे उनको पता चलेगा कि बैसाखी के सहारे चलने से क्या होता है। और ये बैसाखी टूटेगी, ये सरकार जाएगी, ये देश की जनता हटाएगी इस सरकार। तो आपने सुना कांग्रेस यूथ कार्यकर्ता को जो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनका साफ साफ कहना है कि जब तक एनटीए को बैन नहीं किया जाएगा और जब तक जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। एनटीए को बैन होना चाहिए, रीनीट होना चाहिए। क्या है आपकी राय, आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार कैमरामैन श्रवण के साथ नेशनल दस्तक, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।